हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल द साइड। सो दिस विल बी अ फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो फॉर द बिगनर। जो भी ऑप्शन बाइंग की ओर जा रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कोई कोर्स कर लेंगे तो ऑप्शन बाइंग आने लगेगी, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना। स्पेशली बिगनर्स हो, है ना, अगर कैपिटल कम है 2,000, 2,500 या 5,000 भी है, या स्टूडेंट हो, है ना, ऑप्शन बाइंग करनी है, मार्केट में 10 का 100 आपने सुना होगा बनता है, तो ये वीडियो एक बार देख लोगे फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर किए हैं, मैंने पूरा डेटा शीट बनाया है, है ना, लिख के रखा है इसलिए। तो इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज तो ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, तो उसके पहले ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। सारे टेक्निकल से कोई फालतू की मैंने बकलोली नहीं की है, ठीक है, जो टेक्निकल पॉइंट्स है ये जो आपको जानना जरूरी है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करो। सेकेंड फेज जो मैंने डिवाइड किया, आप इसके ओवरकम कैसे कर सकते हो। लाइक देखो, ऑप्शन बाइंग में आपको लगता होगा 10 का 100 बनता है, बट उसके अगेंस्ट में 50 चीजें आपके अगेंस्ट में रहती है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। तभी जो एक इतना बड़ा वो बैनर आता है ना, जब भी हम अपने उसमें लॉग इन करते हैं ब्रोकर में, कि भैया 90% लोग लॉस कर रहे हैं, यही उसका कारण हो जाएगा। और ये पॉइंट जानने के बाद आपको नहीं पड़ेगी और कहीं जाने की जरूरत, आपके ऑप्शन बाइंग करनी है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपसे हो पाएगी कि नहीं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके ब्रोकर का मिल जाएगा, आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट हमने इसमें सेकंड फेज और थर्ड फेज, ठीक है, थर्ड फेज है कंक्लूजन, जिसमें मैंने 4 से 5 पॉइंट ऐसे ऐड किए हैं जो कि आपको, देखो सारा नॉलेजेबल बेस ही है, बट आपको जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले है तो आप प्री प्लान्ड रहोगे, जो भी उसमें आपको दिक्कतें आएंगी तो वो आपको पहले से ही पता रहेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली यू विल सफर फ्रॉम द मार्केट, एज द 90% ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग एंड दे हैव लूज। देखो, मैंने भी कोई करोड़ या लाखों रुपए ऐसे कुछ बनाए नहीं है, ना मैं महीने का कुछ बहुत बड़ा पैसा बना लेता हूँ, बट हाँ यार, अगर 3 साल से मार्केट में टिका हूँ विदाउट ना कोई कोर्स सेल करता है, ना कोई टेलीग्राम पे प्रीमियम चैनल, ना कोई हैंड होल्डिंग है, सिर्फ मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, और जो भी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जो भी मुझको लगता है वो मैं शेयर करता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसा मेरे को बड़ा पैसा नहीं मिलता, ठीक है। सो डेफिनेटली आई एम सर्वाइविंग थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, एंड ठीक है, मेरे को कोई जरूरत नहीं किसी को एक्सप्लेनेशन देने की। बट देखो, वापस से हम टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा ऑफ द पाथ जा रहे थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, ये पॉइंट जान लो, फिर आपकी मर्जी जो आपको करना हो, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते वीडियो पे गए एंड करते आज का वीडियो स्टार्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गो विद द वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट फेज है उसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नो। देखिए, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट रह सकता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है डिके। अभी आपको लगता होगा ये क्या है। देखो, मार्केट में 2-3 प्रकार की चीज़ें रहती है, थीटा डिके होता है, गामा ब्लास्ट होता है, ये कुछ वो हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीक्स हैं, ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में हमेशा ये रहता है, ठीक है, ग्रीक्स मतलब आपका पैसा गलता है। लाइक अगर आपने एग्जांपल दे तो 100 रुपये का कोई प्रीमियम बाय किया है, ठीक है, और इसमें अगर ये मार्केट साइडवेज हो गया या कोई मोमेंटम नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली घटना चालू हो जाएगा, मतलब आपको ऑटोमेटिकली लॉस होना चालू हो जाएगा। ये ऑप्शन बायर्स के लिए एक नेगेटिव है, ठीक है। देखो, पॉइंट्स इसमें बहुत सारे हैं, और एक गामा ब्लास्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसा साइडवेज चल रहा है, एकदम से गामा ब्लास्ट हो गया, मार्केट सीधा नीचे, ये 100 का आपका हो गया 10 मान लो, और एक्सपायरी है तो 0 भी हो जाता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है आपको इसका डिके के बारे में जानना, ये हमेशा ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत दुखदायी चीज़ होती है यार, है ना, क्योंकि इसमें सर्वाइव आप नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं भी ऑप्शन बाइंग करता था, बट धीरे धीरे प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन कम होते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग टू ऑप्शन सेलिंग। बट ऑप्शन बाइंग की है तो उसका नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मोमेंटम। देखो, ऑप्शन बायर्स का एक ही दोस्त है मार्केट में, वो है मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाय किया और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, तो पता भी नहीं चलेगा कब ये 100 का प्रीमियम आपका 300 हो जाए, 300 क्या 400-500 भी पता नहीं चलता, समझ रहे हो, जब एकदम। और ये कब होता है, इसमें भी पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट्स ये हैं कि या तो आप पुट बाय कर लो, ठीक है। पुट बाय क्या होता है ना, मार्केट में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट अगर ऊपर जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, ये देखो ग्रीन कर दो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वो स्लो एंड स्टडी जाएगा। इसमें दिक्कत क्या होती है ऑप्शन बायर्स को, कि मार्केट जब भी स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है ना, अगर नीचे आ गया ना, तो आपका एसेलेट हो जाएगा या आप घबरा जाओगे कि यार अब क्या करें। लाइक अगर आपने, मैं इसको और हटा देता हूँ,
लाइक अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाय किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया 150 पे आ गया, फिर जब ये 150 से 120 या 125 आएगा आप निकाल दोगे, समझ रहे हो। ट्रेलिंग ऐसा होता है बट ट्रेलिंग सबके बस की नहीं होती, और फिर जब ये 300-400-500 जाएगा फिर आपको दुख होगा। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में रहती है। ये सब कोर्स का कंटेंट है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, बहुत हेल्प होती है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है यार। तो ये है एक पॉइंट, और भी कुछ है क्या? हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ और लिखी है कि ऑलवेज ट्राई अगर आप ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन बाइंग ही करनी है, देखो सबके पास नहीं है पैसा मैं मानता हूँ, अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है ना, देन गो विद द सेलिंग मार्केट ओनली। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप मानोगे नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं स्टिल कॉल सेल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस भी दिन, और इवन कॉल सेल करने में मुझको छोटे ऐसे लग रहा है, बट पता है जिस दिन मार्केट गिरेगा ना, एक दिन लगेगा पूरे महीने भर का प्रॉफिट रिकवर करने के लिए। बट डोंट कंपेयर, इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, कॉल सेल डिफरेंट थिंग हो जाती है। अभी देखो, अगर पुट बाय करते हो, सेलिंग मार्केट बहुत, मार्केट बहुत फास्ट फॉल करता है, मतलब आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, समझ रहे हो। जो भी बड़े प्रॉफिट, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, उनने मोस्ट ऑफ द मनी सेलिंग मार्केट से ही बनाया, इवन कोविड में सब लोगों का ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो ये है कि इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू ओनली फ्रॉम ऑप्शन बाइंग, देन आपको पुट साइड ही देखना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की, ये हमारा फर्स्ट फेज था, ठीक है, कि आप, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो आगे कर सकते हो थोड़ा सा, बट मैं जो भी देख रहे हैं एक बार उनको सबको कंक्लूड कर देता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये देखिए, थीटा डे के ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स हमेशा आप ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में ही रहते हैं, सिर्फ गामा ब्लास्ट है अगर आपके डायरेक्शन में हो गया, अगर अपोजिट हो गया तो भैया बाबा हो जाओगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, मार्केट अपसाइड जाता है, स्लो एंड स्टडी आएगा, हो सकता है आप आउट हो जाओ या एसएल आपका हिट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप पुट साइड के लिए देख सकते हैं, उसमें और कोई तो पॉइंट नहीं, हाँ यू मस्ट रिक्वायर मोमेंटम, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हम अपने सेकंड फेज की ओर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड फेज, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट में डाल देना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, बट विदाउट क्लेरिफिकेशन ऑप्शन बाइंग मत स्टार्ट करना। इट्स देखो, ऑप्शन बाइंग इज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है, स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक इंडियन, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ प्योरली ग्रेवयार्ड फॉर ऑप्शन बायर्स। यार नहीं सर्वाइव कर पाओगे अगर बड़े प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं ना। एक चीज़ और, ये शायद सेकेंड फेज में मैंने ऐड किया है, देखो चलो पहले हम सारे पॉइंट्स अपने रिकवर कर लेते। अभी इसके क्या कर रहे थे, ऑप्शन बाइंग इतनी टफ है, इतना ईजी नहीं है, तो अभी करें क्या? अभी इसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप स्ट्रेटजी बेस ट्रेडिंग करने लगो। मैं बता दूं, मैंने ये स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग बाइंग के लिए स्टार्ट की थी, मैं स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग ही करता हूँ, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता भाई। प्राइस एक्शन इज वो है जब आप समझ लो ऑलमोस्ट ट्रेडर बन गए हो, अभी आप सीख रहे हो, बने नहीं हो, सीखने के लिए 4-5 साल कहीं नहीं जा रहे, समझ रहे हो। सो स्ट्रेटजी बेस अगर ट्रेडिंग करोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं चांस है कि आप कुछ पैसे घर ला सकते हो, ठीक है। मतलब स्ट्रेटजी बेस कैसी, मैं अभी आपको इसको एलैबोरेट करता हूँ, है ना। देखो बिगनर्स ज़रूर देखना, और आपको अगर लगता हो कि भैया खुद से कमा लोगे तो कमा लो, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू मेरे को भी आदत नहीं है टाइम वेस्ट करने की किसी का, ठीक है। तो देखो, द थिंग इज दैट स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग, अभी इसमें आप जो भी नेट, बहुत सारी स्ट्रेटजी डाली, आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, मैंने खुद ही से कुछ चीज़ें मर्ज करके बनाई थी, आप भी बना सकते हो। कोई देखो पहले कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है मार्केट में, लाइक 5 EM हो गई, इनसाइड कैंडल हो गई, है ना, और भी बहुत सारी हैं, आप किसी को भी देख सकते हो। द एक्यूरेसी उसकी 70-80% यार एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। यार देखो राइटिंग ख़राब है कि मैं माउस से वो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 70-80% एक्यूरेसी चाहिए ये स्ट्रेटेजी की, ठीक है। और यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब इन द सेंस कि लाइक देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं स्टिल कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, द थिंग दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब मुझको पता है कि यार मैं सेलर हूँ, मुझको नहीं बाइंग का मार्केट पसंद, उसमें मैं क्यों झिझकूँ, ठीक है। बट पता है कि यार प्रोबेबिलिटी ऐसी वक्त करे कि मैं स्मॉल लॉसेज ले रहा हूँ, मैं बड़े लॉसेज नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि हमको पता है कि मार्केट में, देखो एक चीज़ और आपको सिखा देता हूँ, मार्केट में 4 quadrants रहते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है quadrants नहीं, मतलब आप समझ लाओ कि ये क्वार्टर्स होते हैं, है ना, वो वाले नहीं, दूसरे क्वार्टर्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे होगा बिग लॉस,
ठीक है, बिग प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस समझ जाना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यार, है ना। ये बिग प्रॉफिट, लॉस स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट। बस आपको ये चीज़ एलिमिनेट करनी है अपने ट्रेडिंग से, और मैंने ये चीज़ एलिमिनेट कर दी है, मैं स्मॉल लॉसेस ले रहा हूँ मार्केट में, बट जब भी मार्केट आएगा तो मुझको या तो स्मॉल प्रॉफिट या तो प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर आप चार दिशाओं में जा रहे हो ना, और एक दिशा में तो एक दिशा बस जो खराब है आकर वहाँ पे बस नहीं जाओगे ना, तो बाकी की तीन दिशाओं में आप सही हो, है ना, एटलीस्ट जिंदा। तो यही है उसी प्रकार की सिचुएशन कि ये बिग लॉस का डायरेक्शन में अगर आप गए तो खत्म हो जाओगे, सो यू हैव टू सर्वाइव फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। सो ये सेकेंड फेज भी था हमारा, जो ऑप्शन बाइंग इज अ ग्रेवयार्ड इन इंडिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अभी चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन्स पे, ये थर्ड फेज है, लास्ट फेज है। देखो झिझकना नहीं, कोई भी आपको डाउट रहता है आप निश्चितता से बिल्कुल कमेंट में डाल दो, है ना, मैं नहीं तो टीम कोई ना कोई आपको अपलोड कर देगी, अपडेट कर देगी, सॉरी। ये है हमारा थर्ड फेज, यार फिर से राइटिंग खराब है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंक्लूजन्स। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है, भागना नहीं, सुन लो, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये वीडियो फुल टेक्निकल ही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अभी हम थोड़ा सा रियलिटी बेस पे आते हैं, ये सब चीज़ें तो हो गई, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और मैं बोनस पॉइंट इसमें बीच में ऐड कर देता हूँ, कोर्सेज से रिलेटेड। देखो कोर्सेज से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग के लिए कोर्स है नहीं इंडियन मार्केट में प्रेजेंटली, मेरी नज़रों में, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोर्सेज नहीं है, अभी भी बहुत एजुकेशन की कमी है। जो पैसे वाले लोग हैं वो ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, और जो कम पैसे वाले लोग हैं वही है मार्केट में। मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ जब भी लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स खड़े हैं, भाई यार 150 रुपये मिले या 100 रुपये मिले या 60 रुपये मिले, अब उनको यही नहीं पता है कि भैया एक ट्रेड का 60 रुपये टैक्स लग जाता है आपको, तो टैक्सेशन इज देयर, ओके, डिके इज देयर, नो मोमेंटम इज देयर, ओके, एंड डेफिनेटली यू नीड कैपिटल, यू नीड अ बैकअप, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, समझने को बैठोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा सामने वाले बंदे का, है ना। ये जो ईजी लगता है इट्स नॉट दैट मच ईजी, है ना, समझो चीज़ों के लिए। अभी चलिए थर्ड फेज पे आते हैं, और कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया है, यार मैं नहीं रिकमेंड कर सकता क्योंकि मेरी नज़रों में कोई कोर्स नहीं, बट हाँ अगर ऑप्शन सेलर हो तो एक बार आप पावर स्टॉक्स का कोर्स चेक कर सकते हो, डू योर ओन रिसर्च एंड नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस एनी काइंड ऑफ, ठीक है, सो प्लीज़ चेक कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए द फर्स्ट थिंग इज दैट कैपिटल, ये सब रियलिटी है, मेरे को पता है सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस रिलेटेबल, हैशटैग रिलेटेबल डाल देना। देखो कैपिटल रहता ही नहीं है किसी के पास, जो स्टूडेंट हैं या कॉलेज गए हैं, मेरे पास भी नहीं था, देन मैंने जॉब किए, कैपिटल अरेंज किया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बट दिस थिंग डेफिनेटली रिक्वायर्स 3 से 4 साल, कहीं नहीं जा रहे कैपिटल जोड़ने में, 3 से 4 साल कैपिटल जोड़ो, देन 3 से 4 साल ट्रेडिंग में दो, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। अभी लग रहा होगा फटपट फटपट कर देंगे, देखो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, एक यूट्यूब चैनल है डिजिटल ब्लॉगर, आप उनका चैनल जाके देखो, उन्होंने बड़े बड़े ट्रेडर्स को एक्सपोज किया है जो कुछ नहीं करते इन द सेंस कि सिर्फ कोर्सेज बेचते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम के थ्रू आपको कॉल टिप्स देंगे, एंड ट्रेडिंग आती नहीं है, और कुछ अपन एक्सपोज वीडियो बता दूँ तो स्ट्राइक देके वीडियो डाउन करा लेते हैं। सो आप उनके वीडियो, उनका चैनल जरूर देखते हैं, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, एक्सपोज किया अच्छे से किया है, जो सही में स्कैमर है ना, मतलब पाप लगेगा ऐसे लोगों को, तो है ना, मैं तो यही बोलता हूँ, तो आप जरूर जाके देखना। अभी चलिए वापस हम अपने इस पे आते हैं, ठीक है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। देखो पहली चीज़ कैपिटल, डेफिनेटली आपको कैपिटल चाहिए, तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा, आप कहाँ से करते हो, सबका डिफरेंट सिनेरियो रहता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सेकेंड चीज़ ऑप्शन बाइंग की बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में भी कैपिटल चाहिए, बट सेलिंग का वीडियो नहीं, इसलिए हम वी आर फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग। कैपिटल यू डेफिनेटली नीड रिक्वायर्ड, यू डेफिनेटली रिक्वायर्ड कैपिटल। सेकेंड थिंग स्किल, ऑप्शन बाइंग में ना आपको इतना स्किलफुल होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, थोड़े से में ही आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, किसी दिन अगर गलत गामा ब्लास्ट में अपोजिट साइड बैठ गया, समझ रहे हो, क्योंकि जब 10 का प्रीमियम 100 का होता है तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि सामने जो अपोजिट में है उसका 100 का 10 भी हो रहा है,
ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा इस मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो, ठीक है। थर्ड चीज़ प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको सेकंड फेज में बताया था हाउ आई वर्क विथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोबेबिलिटी को भी सक्सेस बनाने के लिए आपके लिए कैपिटल चाहिए, क्योंकि मैं अभी लॉसेस ले रहा हूँ तो मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास प्रॉफिट है, तभी मैं प्रोबेबिलिटी पे लॉसेस ले रहा हूँ। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो काहे की प्रोबेबिलिटी, काहे का स्केल और काहे का कुछ, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। बोल बच्चन सब देते हैं, रियलिटी कुछ डिफरेंट ही है। वापस अभी एक चीज़ और, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, ये क्या भला का नाम है, जो इंटरमीडिएट है उनको पता होगा, बट जो बिगनर उनको बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में अगर आप बड़ा प्रॉफिट या बड़े पॉइंट्स नहीं बुक कर पा रहे हो, सक्सेसफुल होने का ऑप्शन बाइंग में चांसेस बहुत कम है। छोटे प्रॉफिट 1:1, 1:2 आप नियरली ऑप्शन सेलिंग में भी हम लोग बुक कर लेते हैं। ऑप्शन बाइंग एक तो मार्केट मिलता नहीं है, महीने में एक आध बार मिलेगा, उसके बाद भी अगर आप इसमें ऐसे मार्केट में 1:2 या 1:1 बुक कर रहे हो, देन आप कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट में, मुझको खुद बता दो, नहीं कर सकते ना। बात वही है कि फॉर एग्जांपल 22 दिन मार्केट खुला, 20 दिन लॉस कर रहे हो, 2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, ऑप्शन बाइंग में 1:2, 1:1 बना के साइड बैठ रहे हो, कहाँ से सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी था, इसका हमने कवर कर लिया। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं खुद इसमें रियली बिलीव करता हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको इस पर फोकस देना चाहिए, ठीक है। क्या है बैकअप? अब देखो बैकअप, अगर स्टूडेंट हो तो काहे का बैकअप, तुम्हारे तो मम्मी पापा हैं, बट जो फैमिली संभाल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए डेफिनेटली बैकअप चीज है। मैं अपना सिनेरियो देता हूँ, मेरे मुझको कोई डिपेंडेंसी नहीं है मेरे ऊपर, सो आई कैन टेक रिस्क, है ना। मैंने जॉब किया, कैपिटल कमा लिया, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, और बैकअप यही है मेरे पास ना भैया, मेरे पास बैकअप है। जब मैं जॉब करता था ना, तो मैंने और भी अपने कुछ सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हम लोग, डिविडेंड से, इन्वेस्टिंग से, किसी को कुछ थोड़ा सा मनी लेंडिंग करके उसके इंटरेस्ट से, ये सब चीज़ें होती है। तो आपको एक बैकअप चाहिए, है ना, ये सब रियलिटी है, फालतू की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से सोचना, रियलिटी है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉस हो रहा है ना मार्केट में, हम इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, अगर आप लॉस कर रहे हो ना, तो ये जो बैकअप है ना, ये आपको हेल्प कर देगा, चाहे ये जॉब का बैकअप हो, बिजनेस का बैकअप हो, किसी का भी बैकअप हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। सो ये तीनों फेज थे हमारे, है ना, हम एक बार देख लेते हैं आपको। ये देखिए, ये पहला फेज था हमारा जिस पे हमने ग्रीक्स वगैरह पे वर्क की, सेकंड थिंग कि आप कैसे इसमें सर्वाइव कर सकते हो, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमारे कंक्लूजन्स थे, जो भी रियलिटी थी, ये यही रियलिटी है, सारी रियलिटी आपके मुंह पे ला के मार दी है मैंने, अब इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो भैया बहुत बड़े वाले हो, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो, है ना। बस यही चीज़ है कि ऑप्शन बाइंग में क्लियरली बोलूँ तो नहीं बनता है पैसा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि तुम नहीं बना पा रहे, तो कोई नहीं बना पा रहा है, जो बना पा रहा है उनकी PNL देख लेना कभी, है ना, बना पाते हैं तो प्रोबेबिलिटी में जो खेलते हैं, ठीक है, वो भी जब जब मार्केट कंडीशंस थोड़े उनके फेवर में रहती है, लाइक 2020 में अगर आप लोग पुट बाय ही करते ना तो प्रॉफिटेबल हो जाते, अगर कॉल बाय करते 2020 में तो बाबा हो जाते। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करने, यही रियलिटी है मार्केट की, ठीक है, जो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर की है ये सब रियलिटी है। इसको थोड़ा सा दिमाग में अपने सोचो कि हाँ, इस सब के अगेंस्ट में, इन सब के साथ क्या आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो बाइंग में। अगर भैया कर पाते तो मेरे पास कैपिटल बहुत था, मैं कर लेता, बट नहीं होता है, मैंने देखा प्रोबेबिलिटी पे, मैंने वर्क करके देखा ऑप्शन बाइंग में, स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग जब तक की सही रहा, फिर जब थोड़ा सा कुछ क्या बोलते इवॉल्वमेंट किया, कुछ बदलाव किए, देन उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स चालू हो गए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इफ़ यू हैव कैपिटल स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, क्यों फालतू के टंटे में पड़ना। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, एंड हाँ थोड़े से बहुत पॉडकास्ट वगैरह देखा करो, ट्रेडर्स की आपकी आँखें खुल जाएंगी। एंड तो चलिए इसके साथ वीडियो को खत्म करते हैं, तो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम पर्सनली बात कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट डेफिनेटली आप वर्थ इट है। सो अभी जय हिंद एंड वंदे मातरम।